हम फिर लौट आए हैं आपके पास में एक और केस के साथ में। केस हम डिस्कशन करेंगे आईपीसी के सेक्शन 34 के अंतर्गत। केस का नाम है महबूब शाह वर्सेस सम्राट। यहाँ हम जानेंगे कि कॉमन इंटेंशन मतलब सामान्य आशय किस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग में आया है। इसका जो रिफरेंस है वो AIR 1956 PC 118 के अंतर्गत आता है और इसके जो सब्जेक्ट टॉपिक है वो सेक्शन 34 सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन से संबंध में है। अब जो फैक्ट ऑफ केस है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे इनका बैकग्राउंड क्या है। जो अल्लाह दा का और हमिदुल्ला दोनों खंडवा गांव के निवासी थे और महबूब साहब भी कहाँ के थे, खंडवा गांव के निवासी थे। अल्लाह दा का और हमिदुल्ला नदी के किनारे सुबह सुबह घास काटने के लिए पहुंचे। उन्होंने क्या देखा कि मोहम्मद साहब वहां पर स्नान कर रहा है जो कि वाली साहब का पिता था। ये सभी इस केस में एक कैरेक्टर्स है, ठीक है। तो जब अल्लाह दा और हमिदुल्ला वहां से गुजर रहे थे तो मोहम्मद शाह ने क्या किया, उन्हें रोका और उनसे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम नदी के किनारे घास काटने जा रहे हैं। उसी समय पर महबूब शाह ने उन्हें सावधान किया कि वो उसकी भूमि की घास को ना काटे, पर उन्होंने क्या किया उसकी बातों को अनसुनी कर दी और उन्होंने क्या किया उसी जगह से 12 बोझ घास काटकर नदी के किनारे से रिटर्न लौट रहे थे, ठीक है, नाव में बैठकर। तभी वहां पर जो महबूब शाह का जो भतीजा था गुलाम शाह, उन्होंने क्या देखा कि अल्लाह दा का और हमिदुल्ला वहां से नाव में लौट रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, गुलाम शाह ने उनके पास गए क्योंकि वो उसके चाचा की भूमि की जमीन की घास थी, उन्होंने उनसे वो घास वापस मांगी, पर उन्होंने क्या किया वो घास देने से इनकार कर दिया। इस कारण से क्या हुआ, दोनों के बीच में लड़ाई हुई। गुलाम शाह ने क्या किया, उसकी जो नाव थी उसकी रस्सी को खींच लिया, खींचने से क्या हुआ अल्लाह दखा उसमें गिर गया। फिर उसने क्या किया वहां पर पड़ी हुई छड़ी को उठाकर उसने गुलाम शाह को मारा। गुलाम शाह क्या किया जोर जोर से हल्ला करने लगा, जिससे क्या हुआ महबूब शाह और वाली शाह ने उसकी आवाज सुनकर अपना बंदूक लेकर वहां पहुंच गए। दोनों के पास क्या थी, राइफल थी। अब जब उन्हें बंदूक लेकर आता देखा अल्लाह दा खां, तो वो वहां से क्या करे भाग रहे थे, तो उन्होंने क्या किया बंदूक चलाया। अब बंदूक उन्होंने चला दिया सेल्फ डिफेंस में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो वहां के जो पुलिस थे उन्होंने उनके ऊपर चलान काटा। किसके किसके ऊपर चलान काटा, महबूब शाह के ऊपर, वाली शाह के ऊपर, मोहम्मद हुसैन जी थे उनके ऊपर में, गुलाम शाह के ऊपर में, उन्होंने वहां पर क्या हुआ चलान काटा। तो वाली शाह क्या था वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन जो वहां पर महबूब हुसैन था उनको सेक्शन 208 के अंतर्गत रिहा कर दिए क्योंकि उस समय वो वाली नहीं था, ठीक है। इस प्रकार से जो मुकदमा था वो सेशन कोर्ट में चला। सेशन कोर्ट में जब मुकदमा चला तो महबूब शाह को क्या हुआ, अल्लाह दा का और हमिदुल्ला के हत्या का आरोप करने के जुर्म में मृत्यु दंड 302 के अंतर्गत सुनाई गई। तो वो असंतुष्ट रहे इस निर्णय से महबूब शाह, तो उन्होंने क्या किया हाई कोर्ट में अपील करी। हाई कोर्ट में जब केस गया तो महबूब शाह के केस में तो कुछ भी जजमेंट नहीं आया, लेकिन गुलाम शाह को क्या किया गया, इस केस से रिहा कर दिया गया। तो इसके विरुद्ध में क्या हुआ, उसमें प्रीवी काउंसिल में अपील गई। अब जब मामला प्रीवी काउंसिल को गया तो प्रीवी काउंसिल के पास क्या था, कुछ विचारणीय प्रश्न थे कि क्या अल्लाह दा का और हमिदुल्ला का जो उसके ऊपर जो मृत्यु का आरोप लगा है, क्या इसमें कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 लागू होता है। तो इसके संबंध में न्यायालय ने कुछ मत दिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन इंटेंशन क्या होता है, सेक्शन 34 क्या होता है। सेक्शन 34 का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी आपराधिक कार्य जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, और उसका उत्तरदायित्व सौंपा जाता है उस कार्य को करने के लिए, ठीक है, तो उस उत्तरदायित्व के लिए क्या होता है, उनका एक कॉमन इंटेंशन होता है।
तो इस प्रकार से अगर ये इनके बीच में रहा है तो धारा 34 वहां पर लागू होती है। और जो सेक्शन 34 होता है उसके लिए जरूरी है कि ये फोरकास्ट हो, पूर्वानुमान पहले से निश्चित किया गया होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि जो भी मामला है उसको देख के ये लगता है कि यहाँ पर पहले से पूर्वानुमान नहीं लगाया गया था कि अल्लाह दा का और हमीदुल्ला को क्या किया जाए, मारा जाए जान से, वो भी गोली से। ठीक है, तो ये उनको पहले से कोई पूर्वानुमान नहीं था और ना ही इसका कोई भी इविडेंस वहां पर था। ये जो घटना हुई थी वो क्यों हुई थी, सिर्फ गुलाम शाह को बचाने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर क्या होता है, जो महबूब शाह था वो क्या था, इसका दोषी नहीं था, उसे सजा ना दी जाए। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो उसने अपील की थी उसे स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, इस प्रकार से महबूब शाह जो था उसे उस दोष से मुक्त कर दिया गया। तो इस केस में क्या हो गया था कि जब भी हम सेक्शन 34 लागू करेंगे उसके लिए जरूरी है कि जो भी अपराध किया जा रहा है वो पूर्वानुमान से संबंध में होना चाहिए, पूर्व नियोजन से संबंध में होना चाहिए, और कि व्यक्ति का किसी व्यक्ति को उत्तरदायित्व के साथ में सौंपा जाना चाहिए। ठीक है, जो आपराधिक कार्य होते हैं उसके लिए। तो इसका प्रिंसिपल्स ऑफ लेट डाउन क्या बताता है कि ये जो अपराध है उसके लिए हमें एक सामान्य आशय का होना बहुत जरूरी है और व्यक्तिगत रूप से किया जाना चाहिए। और जो भी जहां भी हम सेक्शन 34 लगाते हैं इसका निर्णय क्या किया जाता है, न्यायालय के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जब ये घटना घटी थी तो यहां से ये पता चलता है कि यहाँ पर कॉमन इंटेंशन नहीं था, ये पहले से निश्चित नहीं था कि हमें अल्लाह दा खां और हमीदुल्ला को क्या करना है, जान से मारना है या उसके लिए कोई प्लानिंग की जा रही है। तो इस प्रकार से ये जो निर्णय था ये महबूब साहब को निर्दोष साबित करता, यहाँ कॉमन इंटेंशन नहीं आया था। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से आपको ये केस इजी से समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का आपका कोई क्यूरीज है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।